अपन लोग निकल गए हैं कैची धाम वाले बाबा के पास, उनकी यहाँ पे समाधि है। हम भी भाई आशीर्वाद लेने जा रहे हैं उनका। पता है वहाँ पे भाई काफी फेमस फेमस लोग आ चुके हैं, मार्क जकरबर्ग एंड सेकंड वन कौन सा भाई, वो बिल गेट्स, जिसकी वजह से पूरा कॉर्पोरेट चल रहा है आजकल। तो वहाँ भाई जाते हैं और हम भी भाई थोड़े दर्शन वगैरह लेके आते हैं और देखते हैं कि हम भी इतनी बड़ी कोई कंपनी खोल पाए तो। हाँ, क्या मांगोगे वहाँ पे जाके? ऐसा कुछ सोचा नहीं है, इमीडिएट नहीं सोचे, वहाँ जाके सोचेंगे। लेकिन भाई सफर का मजा करो, देख रहे पहाड़ भाई। ये है मंदिर, आई थिंक जहाँ बाबा की समाधि है, यहीं पे ना समाधि, मैंने पढ़ानी है बाकी मैं पूछ लूंगा। ये है मंदिर, अब भीड़ देख रहे हो, वो अंदर देखो भीड़ लगी पड़ी है, वो रही वहाँ। ये हम यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ से उधर से आए हैं भाई, गाड़ियों पे गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ, इतनी भीड़ है। तो वहाँ से जाओ अपना गाड़ी को, हमने अपना पार्क कर दिया वहाँ पे पार्किंग वाली हो, और यहाँ से अपना सीधा अंदर अंदर आओ ये रोड पे से। भाई देखो भीड़ वहाँ है, ये है भीड़, तो दिख रहा है भीड़, सारा पुल भरा हुआ है ये। तो हमें भी ऐसे जाना है, सीधा से जाके पुल से लेफ्ट, फिर बाबा के दर्शन करने। देखो अब देखो वो देख भीड़ दिखे तुम्हें, ये है भीड़। तो भाई अपना सीधा नैनीताल से तुम बाइक उठाओ या गाड़ी रेंट करो या बाइक रेंट करो, जो भी रेंट करना है वहाँ से उठाओ। 18-19 किलोमीटर पड़ता है बाबा का धाम, तो वहाँ पे आओ अपना आराम से। मैं कहूँगा एक बार जरूर आओ यार, अगर जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है ना, यहाँ आओ, सब सॉल्व हो जाती है। बाकी भीड़ देखो भाई, भीड़ तो ये है, ये अपना वहाँ से लेके यहाँ तक की भीड़ है, यहाँ से लेके वहाँ तक की भीड़ है। बाकी चलते रहेंगे धीरे धीरे। अबे यार चप्पल उतारनी पड़ेगी, इधर आ जाओ। चप्पल उतारने का ये है, यहाँ पे चप्पल उतारो, चप्पल उतार के अपन चलते हैं सीधा वहाँ, उतारेंगे वहाँ पे मंदिर। तो भाई अपन दर्शन करके आ गए हैं बाबा जी के, ये यहाँ से इधर से आ रहे हैं, तो काफी अच्छे दर्शन रहे। भीड़ बहुत रहती है पर काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था, तो हम चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने गौरव के पास, वो बाहर बैठा हुआ था, उसने दर्शन पहले कर लिए थे, तो ठीक है चलते बाहर की तरफ, काफी अच्छे दर्शन रहे। दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे शॉपिंग्स वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे खाने की बहुत सारी सुविधाएं हैं और रहने के लिए होटल्स बने हुए हैं। हमने तो यहाँ पे अभी खा लिया है थोड़ा सा, और होटल जैसे यहाँ पे बिल्कुल सामने बना हुआ है, मंदिर उधर है, बाकी यहाँ पे होटल बना हुआ है और होम स्टे वहाँ पर है, रेस्टोरेंट उधर है। बाकी यार फल फ्रूट दे सकते हो और बाबा को कंबल चढ़ाया जाता है, कंबल दे सकते हो, प्रसाद चढ़ाया जाता है, प्रसाद दे सकते हो। हमने तो यहाँ पे खाया है अपना, ये बैठे हुए हमारे सरकार सब यहीं बैठे हुए हैं। तो गाइस सारा काम करने के बाद, दर्शन करने के बाद अच्छे से हम अब जा रहे हैं भीमताल, वहाँ पे अपना जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकल जाएंगे। पर गाड़ी चेंज करने का टाइम आ गया है, तो गौरव चलाएगा मेरी वाली गाड़ी, बाकी उसकी गाड़ी मैं चलाता हूँ, तो हम चलाएंगे बुलेट। बाकी चलते हैं और साथ साथ दिखाते रहेंगे कितना कहाँ क्या खा रहे हैं, कहाँ पे खा सकते हो। बाकी आप खा सकते हो, मैंने दिखाई दिया था होटल वगैरह वहाँ पे बहुत है, खा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।